फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। इसका टॉपिक है फैक्ट्री रीसेट कैसे करते हैं, बताएंगे फ्रेंड्स। मेरे पास है और मोटो का फोन है। और फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करें। और फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सेटिंग का ओपन करना है, एंड इसके बाद आपको इस प्रकार से इंटरफेस आता है। और इसके बाद आपको सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ दिखेगा रीसेट ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। एंड इसके बाद आपको इरेजर ऑल डाटा फैक्ट्री रीसेट पर क्लिक करना है। फैक्ट्री रीसेट करना है, फोन को रीसेट करने के बाद होता है। एंड इस पर क्लिक करते हैं आपका फोन रीसेट हो जाएगा। पर इस पर क्लिक करने से पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एंड इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रीन लॉक लगाने का ड्रॉ करने के बाद ऑप्शन आएगा, ये सब होता है। एंड इसके बाद इस पर क्लिक करते ही आपका हो जाएगा। पर इससे पहले आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर इसमें आपका गूगल अकाउंट, डाउनलोड ऐप्स, म्यूज़िक, फोटो एंड अदर डाटा है आपके फ़ोन में, तो आपके फ़ोन में वो हट जाएगा हमेशा के लिए, वो आप वापस नहीं आता। एंड दोबारा से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा ऐप, और उससे आप कैम भी यूज़ होगी और फोटोज़, ये सब चीज़ आपके फ़ोन में नहीं आएगा वापस। इससे अच्छा दूसरे फ़ोन में शेयर करके रीसेट कर सकते हैं। इससे प्रॉब्लम आपका सॉल्व होता है जल्दी। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम आ रहा हो, टच स्क्रीन प्रॉब्लम हो रहा होता है, तभी आप ये रीसेट करते हैं, वैसे नहीं करते। एंड हैंगिंग प्रॉब्लम बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ही प्रॉब्लम हैंग कर रहा है मतलब आपका। तो फ्रेंड्स, आप एक बार रीसेट करने से आपका जो भी होता है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। एंड इसी प्रकार से आप अपने फ़ोन में फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। पर इस पर क्लिक करते हैं आपका रीसेट हो जाएगा, पर मैं नहीं करूँगी क्योंकि मेरा फ़ोन एकदम सही है। अगर आपको लगता है सही नहीं, तो फ्रेंड्स आप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, तब तक नमस्कार।